हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, आप लोग सब कैसे हो। एक मॉस्को की एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया दिन है, आज 12 जून है और 12 जून में आज समथिंग स्पेशल है रशिया में। और वो स्पेशल चीज़ ये है कि आज रशिया का नेशनल डे है, या तो कहते हैं इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। तो आज के दिन जो 12 जून है, रशिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और एक मॉडर्न रशिया का स्थापना हुआ था। कल गया था मैं वहाँ पे रेड स्क्वायर में, मेरी पिछले वाली वीडियो में तो आप देखी ही होगे कि बहुत मज़ा आया था। कल एक के बाद एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हो रही थी। तो कल मैं मॉल में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा ना, एक बूथ लगा हुआ था और बूथ लगा था उसमें लिखा हुआ था ग्रेट रशियन सर्कस। तो अब क्या हुआ ना, मेरे अंदर एक वो मतलब उत्सुकता जागी। उत्सुकता बात ये है कि आज तक मैं भागलपुर बिहार से हूँ। जब मैं बचपन में हम लोग स्कूल वगैरह में थे तो पीसी सरकार अपना टेंट लगा के, मतलब एक वो है लाजपत पार्क, वहाँ पे टेंट लगा के शेर हाथी वगैरह आया करते थे। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होता है। तो एक मतलब उत्सुकता जागी कि चलो यार देखते हैं रशियन सर्कस कैसी होती होगी, है ना। जब रशिया में आए और जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक सर्कस देखने की, और ये सर्कस हमेशा नहीं होती है, मतलब हर एक 5 या 6 दिन के बाद होती है। तो मैंने वहाँ से टिकट ले ली। टिकट मुझे पड़ा 1300 का। मैंने सबसे सस्ती वाली टिकट बुक कराई, सबसे महंगा वाला टिकट 2500 का था, जो कि सबसे पास में पड़ता है। और उसके बाद मीडियम रेंज की टिकट है 1800 की, उसके बाद 1500 की, उसके बाद 1300 की। तो मैंने जो बुक कराया वो 1300 की टिकट है, 1300 रूबल पड़ी मुझे। 1300 रूबल हो गए आपके कितने हो गए, मतलब 1300 रुपये हो गए। देखते हैं रशियन सर्कस कैसी होती है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक जुटे हुए हैं, सब बच्चे वगैरह आए हुए हैं, एडल्ट्स भी आए अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। पहली बार किसी देश में जाके सर्कस देखूँगा, मज़ा भी आएगा। अब मुझे पता लगाना है मेरी एंट्री कहाँ से होगी। यहाँ पे सेक्टोपा ए और ई है। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से एरिना बनाया हुआ है और हर एक जगह में इस तरह से मतलब एंट्रेंस बनाया हुआ है। तो मैं अपने सेक्टर बी के तरफ जा रहा हूँ। टिकट मेरे हाथ में है, चलते मॉस्को में आए हैं। मॉस्को की सर्कस काफ़ी वर्ल्ड फेमस है वैसे। देखते हैं रशियन सर्कस कैसी होती है। अगर साइबेरियन टाइगर देख गया तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो greatcircus.ru। तो ये हो गया सेक्टर ए ई और ये हो गया बी। तो कुछ एंट्रेंस कुछ इस तरह। आईडी वन टिकट वन टिकट यस ओके एक्सक्यूज मी प्लीज कैमरा डजन इन योर बैग यस सिनेरियो इस तरह से है। टिकट मिल चुकी है, बैठा हुआ हूँ, आप देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी भीड़ हो रखी है यार, देखो हर एक एंट्रेंस में आपको हेल्प करने के लिए 2 जन खड़े हुए हैं। और जैसे ही मैंने उन्हें दिखाया ना टिकट, तो उन्होंने मतलब आके मुझे यहाँ पे मतलब बैठाए। और मतलब काफ़ी अच्छा है यार। और बाकी ये वाली सीट तो खाली है। और मुझे लगा ना मुझे व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, बाकी उल्टा यहाँ से ना व्यू सबसे अच्छा है। अगर आप यहाँ से देखो, देखो कितना पास में है। एक अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इन्जॉय करता हूँ और आपसे भी शेयर करता हूँ। तो लोग अभी भी आ रहे हैं, क्यों ताली मार रहे हैं मुझे भी नहीं पता। काफ़ी सुंदर सा सेटिंग है, काफ़ी साफ़ सुथरा, मतलब ये एक ऑडिटोरियम बनाई हुई है जहाँ पे मतलब नॉर्मली हर एक वीक में एक एक फंक्शन होती है। एक 12 तारीख को था, एक 16 तारीख को था, एक 22 तारीख को था। तो ताली क्यों मार रहे हैं ये लोग भाई, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है।
साइबेरियन है, एक दो तीन चार पाँच छः, लायर।
डेढ़ घंटा तो हो गया और अभी मुझे लगता है कि इंटरमिशन हुआ है, लेकिन अभी तक मज़ा आ रहा है, जो भी देख रहा हूँ मज़ा आ रहा है। बाकी देखो भीड़ देख रही है, पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा है हुआ है। टूरिस्ट के मामले में अगर मैं कहूँ तो कुछ भारतीय हैं, कुछ अरबिक हैं और 95% लोकल रेसिडेंट है रशियंस।